गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स सी अवर अनदर चैप्टर फ्रॉम हनीड्यू द ट्रेजर विथ हिम। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द लेसन द ट्रेजर विथ हिम इज बेस्ड ऑन अ कन्वर्जेशन बिटवीन मिस बेला राजा, एडिटर ऑफ स्पर्स, अ न्यूज लेटर फ्रॉम द रिसोर्स सेंटर, द वैली स्कूल बेंगलोर एंड मिस्टर रफीज कॉन्ट्रैक्टर, वन ऑफ इंडियाज लीडिंग आर्किटेक्ट। The conversation makes us realize the importance of being active in extracurricular activities in school and how the time spent in school builds the foundation of one career. तो ये लेसन जो है द ट्रेजर विथ हिम वो एक कन्वर्जेशन के ऊपर बेस्ड है जो कि मिस बेला राजा जो है उनके साथ और हफीज कॉन्ट्रैक्टर जो है इंडिया के मोस्ट लीडिंग आर्किटेक्ट उनके बीच में होता है। कन्वर्जेशन हमें एक रियलाइज कराता है कि किस तरह से जो इम्पोर्टेंस जो होती है कि एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो स्कूल में होती है उसमें कैसे एक्टिव रहने का और हमारा जो टाइम जो हम स्कूल में जो स्पेंड करते हैं उसमें से हम अपना करियर जो है बना सकते हैं। वन ऑफ इंडियाज लीडिंग आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्टर बिगिंस बाय शेयरिंग हाउ ही यूज टू हैव दिस फाइटेंडिंग नाइटमेयर्स दैट have now seemed to have gone away in the past 4 to 5 years. Miss Bela Raja asked Hafiz to tell her more about the nightmare and the reason behind its disappearance. तो इंडिया के जो मोस्ट लीडिंग आर्किटेक्ट जो है हफीज कॉन्ट्रैक्टर वो एक शेयर करते हैं कि रात में जो उनको जो सपने आते वो उनको बहुत डराया करते थे और अब वो सपने जो है वो 4-5 साल हो गए हैं और वो सपने जो है वो डराने वाले सपने जा चुके हैं। मिस बेला राजा उनसे पूछती हैं कि वो और अपने सपनों के बारे में बताए, उसके पीछे के गायब होने का रीज़न भी बताए। ऑन बिगनिंग आस्क्ड रफीज रिवील्ड दैट ही यूज्ड टू हैव बैड ड्रीम्स अबाउट गिविंग द मैथ्स एग्जाम वेयर ही डिडंट नो अ सिंगल थिंग अबाउट इट। ही फील्स इट हैज फेडेड अवे नाउ बिकॉज हिज माइंड मस्ट हैव मूव्ड ऑन एंड मेड पीस विथ इट। तो हफीज जो है वो बताते हैं कि किस तरह से उनको एक बुरे सपने आया करते थे कि वो मैथ्स के एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन्हें कुछ सिंगल चीज़ भी मालूम नहीं होती थी कि क्या होने वाला है उनके साथ, कि जो मैथ्स के एग्ज़ाम जो है उसमें क्या आया है क्या नहीं है उसके बारे में उन्हें कुछ नहीं मालूम होता था। वो क्या फील करते थे कि जैसे कि उन्हें फेंक दिया गया, दूर कर दिया गया। अब उन्होंने क्या किया कि अपने माइंड को जो है उन्होंने मूव ऑन किया और फिर अब वो जो है शांति बनाए रखी हुई है अब उन्होंने। दैट मीन्स कि अब वो जो बुरे सपने वो उन्हें नहीं आते, अब उन्हें डराने वाले सपने नहीं आते हैं। ही फर्दर एलिबरेट्स दैट नाउ ही डजंट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन और इवन स्टडिंग। अब वो एक और चीज़ जो बताते हैं वो ये है कि अब वो जो है एजुकेशन के बारे में और स्टडी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। Moreover, he is so busy that he doesn't even have the time to see nightmares. एक और चीज़ बताते वो इतने बिजी हो चुके हैं कि अब उनके पास सपने देखने का भी टाइम नहीं है। मिस बेला आस्क हफीज टू टॉक अबाउट हिज मेमोरीज ऑफ स्कूल व्हेन इट बिगेन। तो मिस बेला जो है जो कि रिपोर्टर होती है न्यूज़ लेटर होती है तो वो उनको कहती हैं कि आप अपनी कुछ मेमोरीज बताएं स्कूल के टाइम की। हफीज टेल्स बेला दैट ही वॉज एन ओबीडेंट एंड ब्राइट स्टूडेंट वैन ही वॉज इन फर्स्ट एंड सेकेंड स्टैंडर्ड। जब वो फर्स्ट और सेकेंड स्टैंडर्ड में जब थे हफीज तो वो बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट रहे थे। ही टॉक्स अबाउट हाउ ही लॉस्ट ऑल इंटरेस्ट एंड स्टॉप्ड स्टडिंग वंस ही गॉट प्रमोटेड टू द थर्ड स्टैंडर्ड। तो वो एक और चीज़ बताते हैं कि किस तरह से जो है उनका जो पूरा इंटरेस्ट जो है और स्टडी को लेके उनका जो इंटरेस्ट था वो किस तरह से ख़त्म हो गया जब उन्हें प्रमोट किया गया था थर्ड स्टैंडर्ड में। ऑल ही यूज टू लाइक वॉज गेम्स रनिंग हियर एंड देयर क्रैकिंग जोक्स एंड प्लेइंग प्रैंक्स ऑन अदर। तो वो क्या करते थे पूरे टाइम जो है वो गेम खेला करते थे, यहाँ से वह भागा करते थे, जोक क्रैक किया करते थे और साथ ही साथ वो प्रैंक किया करते थे दूसरों के साथ। ही टोल्ड बेला हाउ ही वुड चीट इन हिज एग्ज़ाम। उन्होंने एक और चीज़ बताई थी बेला को कि उन्होंने किस तरह से एग्ज़ाम में चीट किया था।
He used to try to get his hands on the final question paper, and he only studied that much because no matter how much he tried, he couldn't retain anything that was taught to him in class. और उन्होंने एक और चीज़ बताई थी कि उन्होंने जो है क्वेश्चन पेपर को अपना हाथ रखा था, उन्होंने जितना रीड किया था उतना ही वो लिख पाए थे. उन्होंने ट्राई किया था आगे कि वो ज़्यादा कर पाए, लेकिन वो ज़्यादा उन्होंने नहीं किया था क्लास के अंदर. जितना उन्होंने क्लास के अंदर उनको टीच किया गया था, उनको जिस तरह से कराया गया था, लेसन समझाया गया, तो उन्होंने उतना ही अटेम्प्ट किया था पेपर. हफीज एक्सप्रेसेस हाउ अ कन्वर्जेशन विथ हिज प्रिंसिपल ट्रांसफॉर्म्ड हिज लाइफ. द हफीज जो है वो एक चीज़ जो बताते हैं कि एक उनकी प्रिंसिपल के संग एक कन्वर्जेशन हुई थी जिससे उनकी लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गई थी. इट वॉज वैन ही गॉट प्रमोटेड टू 11th स्टैंडर्ड दैट हिज प्रिंसिपल समर्ड हिम एंड टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन कीपिंग एन आई ऑन हफीज इन द बिगिनिंग. तो जब उन्हें 11th क्लास में जब उनको प्रमोट किया गया था, तब प्रिंसिपल ने उन्हें डांटा भी था और उन्हें बताया भी था कि उनकी आंखें जो है हफीज के ऊपर शुरू से रही हैं. द प्रिंसिपल सेड दैट ही कुड नो लॉन्गर लुक आफ्टर हिम एंड ही विल हैव टू डू इट फॉर हर हिमसेल्फ फॉर फ्रॉम दैट मोमेंट ऑनवर्ड्स. और प्रिंसिपल ने एक और चीज़ कही थी कि अब वो जो है अगर वो अच्छी तरह पढ़ाई नहीं करते हैं तो फिर वो जो है उन्हें निकाल दिया जाएगा. और उसके बाद जो उन्होंने खुद के ऊपर मेहनत की और एक मूवमेंट डेवलप हुआ कि जहाँ पे उन्होंने सिर्फ अपने लिए ही सोचा. द प्रिंसिपल स्पोक टू हफीज फॉर 5 मिनट. तो प्रिंसिपल ने हफीज से सिर्फ 5 मिनट बात की. ही टोल्ड हफीज दैट ही हैड बीन अनफॉर्चुनेट टू हैव हिज फादर विथ हिम बट हिज मदर हैड वर्कड रियली हार्ड टू राइज हिम एंड पे फॉर हिज फीस. तो हफीज़ को उन्होंने बोला कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट की बात है कि तुम्हारे फादर जो है कि तुम्हारे फादर नहीं है तुम्हारे साथ, और तुम्हारी माँ जो है बहुत वर्क हार्ड कर रही है और उसके और साथ ही साथ तुम्हारी फीस भी पे कर रही है. एंड और हफीज़ डीड वॉज प्ले गेम्स. और हफीज़ क्या है कि पूरे दिन से गेम्स ही खेलता रहता है. द प्रिंसिपल एडवाइज हिम टू राइज टू द ओकेशन एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज. तो प्रिंसिपल ने एडवाइस देते हैं कि जो भी कोई ऐसा ओकेशन होता है उसमें तुम्हें ना खुल के आओ और अपनी स्टडीज़ पे तुम कॉन्सेंट्रेट करो. हफीज टोल्ड मिस बेला दैट ही हैड बीन एन एक्सेलेंट स्पोर्ट्समैन. नॉट ओनली दिस, ही हैड बीन द सीनियर चैम्पियन फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स एंड वॉज ऑल्सो द कैप्टन ऑफ हिज क्रिकेट टीम. तो हफीज बेला को एक और चीज़ बताते कि वो बहुत ही अच्छे एक्सेलेंट स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं, और ना सिर्फ अच्छे स्पोर्ट्समैन ही नहीं लेकिन वो सीनियर चैम्पियन भी रह चुके कुछ सालों तक, और वो कैप्टन भी रह चुके थे अपनी क्रिकेट टीम के. ही रिवेल्ड हाउ ही यूज टू प्ले एवरी गेम बट दैट पर्टिकुलर ईयर ही डिडंट इवन स्टेप आउट इन द फील्ड. तो उन्होंने बताया एक और चीज़ के किस तरह से वो सारी गेमें खेला करते थे उस पर्टिकुलर एरिया में, लेकिन वो कभी भी उन्होंने जो है उस फील्ड से अपना स्टेप आउट नहीं किया, यानी वो कभी उस फील्ड से बाहर नहीं निकले. इंस्टेंट ही वेंट फॉर प्रेयर्स एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडिंग. तो प्रेयर में वो जाया करते थे और अपनी स्टडीज पर भी वो कॉन्सेंट्रेट किया करते थे. All he did was eat and study. तो वो जो है पूरे दिन खाते थे और स्टडी करते थे. Normally he used to copy and pass his exam. तो normally क्या हुआ कि वो कॉपी करते थे और फिर एग्ज़ाम में पास हो जाते थे. But he realized that once he was in SSC it was no longer possible. तो एक चीज़ जो उन्होंने realize की वो ये कि जब वो SSC में थे तो वो ज़्यादा longer नहीं था. As a result of his hard work, the contractor got a 50% in his SSC. The principal was delighted and even remarked that Hafiz had earned excellence. तो उन्होंने work hard तो किया और result क्या मिला कि contractor को 50% आया SSC में, और principal ने जो है उनको appreciate भी किया क्योंकि उन्होंने work out किया था उसके लिए.
Hafiz further tells Miss Bella that he was involved in a lot of other things as well. Hafiz एक और चीज़ जो है Miss Bella को बताते हैं कि इनके अलावा वो बाकी चीज़ों में भी जो है उनका इन्वॉल्व रहे हैं, वो उनका एनवायरमेंट रहा है. It was difficult for him to memorize the text in his course material as he would forget them very easily. एक और चीज़ जो बहुत ही डिफ़िकल्ट थी वो ये थी कि उस चीज़ को मेमोराइज़ करना, उस कोर्स को, जो उस मटेरियल कोर्स को बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है मेमोराइज़ करना, क्योंकि उसे भूलना बहुत ही आसान हो जाता है. इन ऑर्डर टू बी एबल टू कीप थिंग्स इन हिज माइंड ही सो देम एज फोटोग्राफ्स. तो अगर कुछ भी माइंड में कोई चीज़ें अगर आपको रखनी है तो उसके लिए आपको उसको फोटोग्राफ की तरह रखना रहता है, और वो उसको फोटोग्राफ की तरह देखा करते थे मेमोरीज को. ही वुड रीड अ बुक एंड रिमेंबर इट इन द फॉर्म ऑफ फोटोग्राफ्स बट नॉट थ्रू हिज माइंड. तो जो भी बुक वो रीड करते थे उसको वो एक फोटोग्राफ के थ्रू, फोटोग्राफ की तरह अपने माइंड में रखा करते थे, ठीक है, लेकिन उसको वो नॉर्मली माइंड में नहीं रखते थे. जिस तरह से हम लोग आज कोई भी बुक रीड करते हैं, हमारी एग्ज़ाम होती है तो हम उसको सीरियसली लेते, लेकिन वो उसको फोटोग्राफी की तरह लेते थे. जिस तरह से हम लोग कैसे मोबाइल में फ़ोटोज़ देखते हैं एक के बाद एक गैलरी के अंदर, तो वो उसको वैसे रखते थे अपने दिमाग में. दैट इज़ हाउ इट वर्क फॉर हिम. तो ये सारी चीज़ें उनके लिए वो वर्क कर गई. मिस बेला आस्क हफीज इफ़ ही एवर गॉट स्कॉल्डेड in school for performing poorly in academics and how did he feel when that happened. तो मिस बेला उनसे एक और चीज़ पूछती है कि हफीज़ की कभी ऐसा हुआ कि टीचर्स ने आपको स्कूल में बहुत डांटा हो जब आपकी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रही हो पूरे एकेडमिक में, और उस समय आपने कैसा फील किया था. मिस बेला फर्दर आस्क हफीज़ हाउ ही फेल्ट और वॉट थाट्स यूज टू कम टू हिज माइंड वैन ही वॉज वेल अवेयर इन एडवांस दैट ही हैड मेड his teacher angry but by not finishing his home assignments or by not conducting himself properly. तो मिस बेला एक और चीज़ उनसे पूछती है कि वो उस समय कैसा फील करते थे, उनके दिमाग में वो कैसे थॉट्स आया करते थे, वो क्या सोचा करते थे, क्या उनके दिमाग से थॉट जो आया करते थे, कि जब वो अवेयर होते थे एडवांस में कि टीचर जो है उनके ऊपर गुस्सा होने वाले क्योंकि उन्होंने अपना होम असाइनमेंट पूरा नहीं किया है या फिर उन्होंने उसको प्रॉपरली जो है कंडक्ट नहीं किया है. बेसिकली सी आस्क्ड हिम अबाउट हिज स्टेट ऑफ माइंड व्हेन ही न्यू इन एडवांस दैट ही वुड बी स्कॉल्डेड और पनिश्ड. तो बेसिकली वो यही पूछना चाहती थी कि उस समय उनका स्टेट ऑफ माइंड, उनका माइंड किस तरह से काम करता था जब उन्हें एडवांस में ये मालूम होता था कि टीचर जो है वो उन्हें डांटने वाली है, उन्हें पनिश करने वाला है. ही आंसर्ड दैट द नीड टू बी प्रिपेयर्ड और द माइंड स्टेट डिडंट मैटर एट दैट टाइम एज ऑल दे नीडेड टू डू वॉज राइज देयर हैंड अपॉन बींग आस्क्ड About the delay in homework or being the one responsible for poor behavior. तो उन्होंने एक आंसर दिया कि प्रिपेयर रहना बहुत ज़रूरी रहता है उस समय, और आपका जो माइंड स्टेट जो होता है वो कभी भी मैटर नहीं करता उस टाइम पर. एक चीज़ जो रेस करने जैसी रहती है वो होता है आपका हाथ, कि हाँ क्या आपने डिले किया है होमवर्क करने में और उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हो. Only this much was enough and they would punish or scold you. यही इतनी ही चीज़ें enough है और इसके लिए आपको punish या फिर डांटा जा सकता है. He said that it used to affect him at that particular moment, but then he would easily forget about it as he knew he could play later. उसके बाद वो ये बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें उनको अफेक्ट तो करती थी पर्टिकुलर मोमेंट में, लेकिन उसके बाद उसको वो ईजिली फॉरगेट करते थे कि उन्हें मालूम था कि इसके बाद उन्हें खेलना है. Miss Bella asked him if he ever felt vulnerable or anxious when he knew he was about to be scolded or punished. Hafiz told her that he never paid that much attention to the fact that he was about to face consequences for his actions as his mind was more engrossed in funny pranks. मिस बेला एक और चीज़ उनसे पूछती है कि कभी उन्हें ऐसा फील हुआ कि उन्हें बहुत कुछ
अजीबोगरीब कुछ ऐसा फील हुआ कि उन्हें किसी चीज़ के लिए जो है डांटा गया हो या पनिश किया हो, तो हफीज़ उनको बताते हैं कि उन्होंने कभी भी इतना अटेंशन नहीं दिया इन चीज़ों पर। उनकी जो सारे जो उन्होंने कभी भी इस चीज़ों पर अटेंशन नहीं दिया, और जो चीज़ें उन्होंने अपने लाइफ में जो फेस की उन्होंने उस समय स्कूल में, तो यही रहा है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा जो उनका माइंड जो है वो हमेशा जो है फ़नी प्रैंक्स के ऊपर है, जो प्रैंक करते हैं कि किसी के संग मस्ती करना, किसी को डरा देना अचानक से, किसी के संग किसी को रुला देना, किसी को कुछ भी बोल देना, तो वो उसी चीज़ों में रहे, उन्होंने कभी इस पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया। ही वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, तो उनका हमेशा जो है एक ही चीज़ पे ध्यान रहता था, वो था उनका उनका इंटरेस्ट एक ही चीज़ पे था, खेलना बस। ही टोल्ड हाउ वंस ही वॉजंट इन द मूड टू स्टडी, सो ही क्रिएटेड अ डाइवर्जन एंड फॉर वन कंप्लीट आवर ही प्लेड चोर पुलिस। तो एक बार उन्होंने एक और चीज़ बताई कि जब उनका मूड नहीं था ना खेलने का, तो उन्होंने अपना है ना पूरा माइंड जो है उसको डाइवर्ट कर दिया और पूरा एक घंटा उन्होंने चोर पुलिस खेला। ही मेंशन हाउ दे वर परमिटेड टू वॉच अ मूवी इन टाउन, उन्होंने एक और चीज़ मेंशन की कि किस तरह से उन्हें परमिट किया गया था कि वो मूवी देखे टाउन में। एवरी सैटरडे so he would skip his lunch and would take money from 40-50 students to go and buy tickets। तो हर सैटरडे को क्या होता था, वो लंच जो है स्क्रिप कर देते थे, पैसे इकट्ठे करते थे 40-50 स्टूडेंट्स मिलकर, और फिर वो टिकट खरीदा करते थे मूवी देखने के लिए। ही वुड ईट टिल ही वॉज सेटिस्फाइड ऑन हिज वे बैक, आने तक वो खाया करते थे जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाते थे। ही फर्दर मेंशंस अबाउट बींग अ लीडर of his gang and how they would have gang fights where they build strategies to win। एक और चीज़ वो मेंशन करते हैं कि वो उस गैंग के लीडर थे और उस गैंग में किस तरह से जो फाइट्स होती है गैंग के बीच में, और वो स्ट्रेटजीज जो बनाया करते थे कि कैसे जीतना है हमें। ही वॉज इंटरेस्टेड इन दीज थिंग्स वे मोर देन एकेडमिक्स, तो स्टडी से ज़्यादा जो है उन्हें इन चीज़ों में इंटरेस्ट ज़्यादा था। स्टूडेंट्स यूज़ टू टॉक टू हिम इन एडवांस अबाउट टेकिंग हिज बुक्स बिकॉज दे वर एक्सट्रीमली न्यू इवन एट द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर्स, ही वुड ओनली यूज देम अ डे प्रियर टू द एग्ज़ाम्स। तो स्टूडेंट्स जो है उनसे बात किया करते थे एडवांस में उनकी बुक लेने के लिए, क्योंकि उनकी ही बुक जो है हमेशा नई रहती थी, बाकी स्टूडेंट्स की किसी की बुक नई नहीं होती थी, उनकी बुक हमेशा नई होती थी एंड के एकेडमिक ईयर तक, जब एंड होता था एकेडमिक ईयर का तब तक उनकी बुक नई रहती थी, क्योंकि वो सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम पे ही छुआ करते थे अपनी बुक, तब तक तो वो कभी उन्होंने छू ही नहीं अपनी बुक, तब की बुक जब उन्होंने खरीदी थी तब से लेकर लास्ट तक उनकी बुक बिल्कुल नई की नई थी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट सीन जो है द ट्रेजर वी थिंक का, वो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।